राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज एक दिवसीय कार्यशाला का सम्मेलन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। जिस नारे को अखिलेश यादव ने दिया है पीडीए, उसी के तहत इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम पिछड़े समाज के जो महापुरुष थे उन्हीं को लेकर इसमें चर्चा करनी थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक वो पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही जो पार्टी के महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके ऊपर एक व्यक्ति ने जो है जूते से हमला कर दिया। हालांकि उसके बाद समर्थकों ने उसको पकड़ कर उस पर पिटाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक ओर गाजीपुर में स्याही कांड हुआ, उसके बाद अब जूता कांड हो रहा है राजधानी लखनऊ में। और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो बयान तमाम देते हैं उसी को आहत होकर उस व्यक्ति ने जो है जूते से हमला किया था, और इसके बाद से तमाम जो धार्मिक संगठन के लोग हैं वो उस व्यक्ति के समर्थन में आ गए हैं जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया था। लेकिन यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि कार्यक्रम स्थल पर जो लोग पहुँचे थे इस घटना के बाद से उनके होर्डिंग बैनर सब यहाँ पर बाहर ही निकलवा दिया गया था ताकि कोई आगे घटना न हो सके। खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं उन्होंने कहा कि ये पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं और उनका कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले जो गाजीपुर में जो घटना हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हैं उनके ऊपर जब हमला हुआ था तो ये कहा गया था कि ये भी भारतीय जनता पार्टी तरफ से कराया गया, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी चाक चौबंद कर दी गई है कि अब जो भी लोग आ रहे हैं उनकी बाकायदे जाँच हो रही है। जो होर्डिंग दफ्ती बैनर लेकर आए थे उन सभी को बाहर ही जमा कर लिया गया है ताकि आगे कोई घटना ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के बयानों के बाद इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक राजनीतिक सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले स्याही कांड हुआ था और अब जूता कांड। वीडियो ने समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।